Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Sunday Stuff. So once again, 11 से 12 के बीच में हमने कम्युनिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट पोस्ट जो भी था वो डाल रखा था और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन सो दैट आई कैन स्टार्ट आंसरिंग देम. आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो रस्तोगी ने पूछा है और उन्होंने रैपिड फायर पूछा है, रिकॉर्डिंग वर्सेस एडिटिंग. रिकॉर्डिंग. कीबोर्ड वर्सेस टचपैड ब्रैकेट में माउस. कीबोर्ड. आईबॉल वर्सेस आईकॉल. आईबॉल. सॉरी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन लॉकडाउन में पूछ लिया. मैगी वर्सेस चाउमीन. मैगी. नोकिया वर्सेस सैमसंग ए सीरीज. सैमसंग ए सीरीज. स्पेशल क्वेश्चन फ्रॉम फ्यूचर, 1000 मेगापिक्सल कैमरा वर्सेस 250 वॉट चार्जर. 1000 मेगापिक्सल कैमरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि तिवारी की तरफ से. उन्होंने बोला माई क्वेश्चन कुडंट पिक इन लास्ट संडे स्टफ, आई होप दिस टाइम इट कुड बी पिक एंड लास्ट वीक आई हैड पोस्टेड विद कांग्रेट्स ऑन 50K. थैंक्स. नाउ कांग्रेट्स ऑन 55K ब्रदर. एवरी वीक दिस शुड कीप इंक्रीजिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट सिंपल इंटरेस्ट. माई क्वेश्चन इज नॉर्मली अ कंपनी स्टॉप्स गिविंग सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आफ्टर 2 years. डज कस्टम रोम पीपल पे टू गूगल to give at least security patch to every 3 to 4 year old device? Okay. If not, then that means it just a gimmick and the patch levels are edited rather than actual security patch. Or if they copy the code or something, why not Google take any action against this? How does it work? Please share your thoughts on this one, bro. And as you have already checked out lot of custom ROMs. And what does kernel mean? How come changing a kernel boosts phone performance by considering margin? Keep up the good work, always in your support. थैंक्स लॉट ब्रदर. एंड आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है एंड वी थॉट आपका जो टाइपिंग एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रोम डेवलपमेंट कस्टम डेवलपमेंट और कर्नल्स की बात है, डेफिनेटली अगर मैं इसका आंसर अभी देने लगा तो इट विल टेक यू नो द एंटायर संडे स्टाफ एपिसोड. आई नो द आंसर टू इट. अगर आप चाहते हो तो एक सेपरेट वीडियो बन सकती है या फिर मैं आपको ट्विटर पर डीएम करके सारी चीजें बताऊंगा. हाउ कर्नल्स एक्चुअली वर्क, कर्नल को फ्लैश कैसे करना और वाई डू कंपनीज एक्चुअली डोंट यू नो why do they stop pushing out security patches after 2 or 3 years and why do custom developers don't stop doing that. ये सारी चीजें मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या फिर आपको डीएम करके बता दूंगा. यहाँ पे अगर मैं बोलने पे आया तो बहुत टाइम लग जाएगा. ब्रदर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेन गोहिल की तरफ से. वो पूछ रहे हैं प्लीज फिक्स अ टाइम ऑन संडे फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट चेंज इट. यस ब्रदर, आपको अभी ये फिक्स मैं आपको टाइम दे रहा हूँ. 11 से 12 आपने क्वेश्चन पूछने हैं, 6 बजे आपको शाम को संडे स्टफ मिल जाया करेगा. दूसरा क्वेश्चन उनका है हाउ कैन वी ज्वाइन सीक्रेट ग्रुप. सीक्रेट ग्रुप की जहां तक बात है, बहुत सारे लोगों ने आई बिलीव ये क्वेश्चन पूछा होगा एंड ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस सीक्रेट ग्रुप में हम कब ऐड होंगे. तो मैंने उनको कहा था संडे स्टफ का वेट करो. तो यस, पूरे हफ्ते जो कमेंट्स ऑफ द डे होंगे उनको मैं वापस से स्क्रीन पे अभी फ्लैश कर रहा हूँ. सो जिन लोगों ने इस हफ्ते कमेंट्स ऑफ द डे वगैरह का जो टाइटल वगैरह जीता है तो उनको मैं आज शाम को ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे. एंड अगले हफ्ते के लिए भी संडे स्टफ तक आपके पास टाइम है, आप सब कमेंट्स कीजिए, एंगेजमेंट जितनी होगी उस हिसाब से आई कीप ऑन एडिंग मोर पीपल एवरी वीक. Qualcomm Snapdragon 665 6GB versus MediaTek Helio G90T 4GB. I would go with G90T 4GB. Realme will launch 3 products on 25th May. Is it confirmed? If confirmed, then the third product will be a cheaper TWS earbuds. It is more than confirmed because my source which has provided me with this intel is very legit. It could be TWS, it could be any other thing. He or she, whosoever the person is, the person asked me to wait for a couple of more days. So, I will tell you quickly in the text app. Realme X3 in India will be Realme X50M. I don't think so. It should be a new device. When will Redmi Note 9 come to India? Redmi Note 9 most likely will come by the end of June. और लास्ट क्वेश्चन और पूछा, इफ आई गो टू योर प्रोफाइल इन ट्विटर एंड गो इन ट्वीट्स एंड रिप्लाई देन आई कैन सी ऑल योर रिप्लाईज और ओनली फ्यू ऑफ देम. बाय द वे लव फ्रॉम पोरबंदर गुजरात. लव यू टू ब्रदर. एंड अगर आप ट्वीट्स एंड रिप्लाईज वाला जो सेक्शन आई अज्यूम जो ट्विटर पे होता है उसकी बात कर रहे हैं तो यस, आपको सारे के सारे ट्वीट्स और रिप्लाईज जो है वो देखने को मिलेंगे अनलेस ऑफ कोर्स किसी ने हाइड कर रखा हो उनको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद शर्मा की तरफ से. उनके कुछ रैपिड फायर है एंड यू कैन चूज ओनली वन, नॉट बोथ, रियलमी और वीवो. रियलमी. फेसबुक और ट्विटर. ट्विटर. कैट और डॉग. डॉग. मी यू आई 11 और रियलमी यू आई. आई वुड गो विद रियलमी यू आई. नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम. नेटफ्लिक्स. वायर्ड हेडफोन्स और वायरलेस हेडफोन्स. वायरलेस हेडफोन्स. थैंक यू. थैंक यू.
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइलिश मैन की तरफ से, उन्होंने पूछा मुकुल भाई प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आपका क्या ओपिनियन है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब? मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है यार, ये जहां तक बात है टिकटॉक की और यूट्यूब की, जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर काम करता है आप उस पर काम करो, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट टिकटॉकर्स, बट येस आई हैव यू नो ओपिनियन अगेंस्ट दोज पीपल जिनका यू नो दे डोंट हैव अ वैल्यूएबल कॉन्टेंट, बट स्टिल दे इफ दे मेक मनी दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट इफ यू नो दे कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट दैट कॉन्टेंट वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है. तो येस ये जो कंट्रोवर्सी की बात है, बहुत सारे यू नो टेक इन्फ्लुएंसर्स जो है यूट्यूब पे वो कर रहे हैं कि हम अपना टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हैं, गुरुजी ने भी वो अनइंस्टॉल करा किया, सो आई एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम कि वो अपने फेलो कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं. सो सिमिलरली टिकटॉकर्स भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वी कैन नॉट जज देम, उनकी अपनी कम्युनिटी है और यूट्यूबर्स की हम लोगों की अपनी कम्युनिटी है, ट्विटर भी हमारी अपनी कम्युनिटी है. सो येस एवरी कम्युनिटी डिजर्व यू नो टू जस्टिफाई एंड डिफेंड इटसेल्फ, सो मैं किसी भी इसकी साइड नहीं लेने वाला हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिकेत सोनी की तरफ से, उन्होंने पूछा आस्किंग सम क्वेश्चन आउट ऑफ टेक. ओके, फर्स्ट इज हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर एंड फुटबॉलर? विराट कोहली एंड ऑफ कोर्स मेसी. सेकंड इज योर फेवरेट आउटडोर गेम? इट्स क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणव शर्मा की तरफ से, वो कह रहे हैं मुकुल भाई कोलैबोरेशन चाहिए टेक्नोलॉजी भाई के साथ और मनमोहन भैया वाला गाना गा दो प्लीज. मनमोहन भैया वाला गाना अगर मैंने गाया तो रुहेज ने कॉपीराइट मार देना है. और कलैब की बात की जाए तो एक कलैब हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी आपको बहुत जल्दी एक एक्सक्लूसिव कलैब देखने को मिलेगा, कोई कुछ एक लीक आने वाला है, सो उसके बारे में बात चल रही है, तो जैसे ही वो लीक आएगा तो हो सकता है आपको रुहेज और मेरी एक कलैब वीडियो जल्दी ही देखने को मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्ष वाजपेयी की तरफ से, उन्होंने बोला लव फ्रॉम यूपी, ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 45K फॉर गेमिंग प्रोग्रामिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. श्योर थिंग ब्रदर, दैट विल बी डन, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर, लैपटॉप्स की बात की जाए तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट लैपटॉप, स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, ओपनली बता रहा हूँ, बट ओपनली ये भी बता रहा हूँ कि लैपटॉप्स के बारे में यूजली आई टेक हेल्प फ्रॉम माई टीम. सो येस ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, बट आई हैव टू यू नो रिसर्च इट प्रॉपरली एंड मैं अपनी टीम की हेल्प लेके ही ये वीडियो बना पाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकी हिंदुजा की तरफ से, वो कह रहे हैं हाय मुकुल भाई, आई हैव टू क्वेश्चंस. नंबर वन, हैव यू थॉट ऑफ यूट्यूब पोल रिप्लेसमेंट बिकॉज इट यूज टू गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट? एंड सेकंड क्वेश्चन है पर्सनल ओपिनियन विच आई हैव टोल्ड यू ऑन डीएम एज वेल, चैनल हैज डन स्मार्टफोन वीडियोस, मे बी एनी थॉट्स ऑफ कवरिंग सम नॉन स्मार्टफोन कैटेगरी प्रोडक्ट्स? यस, नॉन स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो कल हमने एक पोल रखा था कि यार आप चाहते हो कि ऑफकोर्स इट्स रिलेटेड टू स्मार्टफोन्स ओनली, बट कस्टमाइजेशन एप्स के लिए अगर हम वीडियो बनाए, एंड इट्स ऑलरेडी बीन यू नो एडिटेड राइट नाउ, वीडियो बन चुकी है, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी. सो सिमिलरली इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी आइडियाज की स्मार्टफोन्स के अलावा, एज अभी पिछला जो कमेंट हमने पिक किया क्वेश्चन, उन्होंने भी कहा कि आप लैपटॉप्स के बारे में बात करो, सो इफ इन केस यू वांट मी टू कवर एनी अदर वीडियोस लाइक दैट आप बता सकते हो. प्रॉब्लम हेयर बीइंग द फैक्ट दैट बहुत सारे लोगों ने हमें सजेशंस दिया कि यार ऐसी वीडियोस बनाओ आप, गेमिंग टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, बट उसके बाद भी क्या होता है कि लेटली आई हैव रियलाइज दैट वी आर नॉट गेटिंग दैट यू नो दैट मच व्यूज एंड एवरीथिंग, सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग कि यार चैनल के थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाए तो विल डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट अभी के लिए honestly saying it takes a lot of effort to you know first shoot the video and then edit it, and after that if you are getting you know not more than 1000 views to kahin na kahin thoda sa disappointing ho jata, so for that it's a request to the entire stuff listings army, agar aap you know again share like and subscribe and whatever so that hamara channel thoda sa jaldi se grow kar jaye. Next question is Siddhartha Shankar ki taraf se, unhone bola mukul bhai realme x3 zoom kab tak india mein aayega, kya ye 25k mein aayega? Love from Odisha. Love you too brother. X3 Super Zoom is supposed to launch soon. मैं सोच रहा था कि 25th को लॉन्च होगा, बट माई सोर्स टेल्स मी कि हो सकता है ये जून में चला जाए, तो अभी के लिए कन्फर्मेशन नहीं है. 25 के अंडर तो नहीं होगा, 25 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 855 प्लस है, और अगर जूमिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है तो यार Realme X2 Pro में भी सिमिलर सेटअप है प्रोसेसर के हिसाब से, तो वो अभी अगर 25 के अंडर नहीं है तो X3 Super Zoom को 25 के अंडर करना आई डोंट थिंक इट विल बी अ वायबल ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उदय कुमार, वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर ऑल द लीक्स न्यूज एंड रिव्यूज मुकुल भाई, माय क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस बिल्डिंग कंप्यूटर्स? नो नॉट एट ऑल, आई सीरियसली डोंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन की तरफ से, उन्होंने बोला आई वांट टू बाय अ एंड्रॉइड फोन विद गुड कैमरा अराउंड 20 to 25K, विच वन आई प्रेफर, पोको X2, शाओमी रेडमी K20 सीरीज और वेट फॉर अपकमिंग डिवाइसेस? Please pick my question. Take care, brother. I love your tech news. Love you too, brother. And yes, waiting is always a wise idea. Aajkal, you know,
ऑन अ डेली बेसिस यू आर गेटिंग वन स्मार्टफोन और दी अदर. पोको X2 की अगर बात की जाए तो इट हैज एन एक्सेलेंट कैमरा. बाय द वे स्टाइलिस्टिंग्स इज करेंटली रिव्यूइंग दैट स्मार्टफोन, सो आप उनके ट्वीट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो. शी इज कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग यू कि बैटरी लाइफ की जो ड्रेनेज इश्यूज है उनको शी डिडंट फाइंड एनी सच इश्यूज. उसके बाद उन्होंने कैमरा सैंपल्स वगैरह भी यू नो शेयर करने शुरू किए ट्विटर पे. तो जहां तक पोको X2 की बात है, इट्स अ डिसेंट इनफ स्मार्टफोन, कैमरा बहुत अच्छा है इसका. बट अगर आप वेट करना चाहते हो, यू शुड डेफिनेटली वेट इट आउट. अगला क्वेश्चन है नील विश्वास की तरफ से. वो कह रहे हैं, हाय मुकुल भाई, कैन आईको 3 एनेबल 90 फ्रेम्स पर सेकंड वी ओटीए अपडेट लाइक मीजू 17 प्रो? इट शुड यू नो बी देयर इनसाइड द स्मार्टफोन पहले से. इट शुड बी देयर ऑन द software/hardware level. So I'm not so sure कि iQOO 3 में ऐसा आपको अपडेट कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगा. एंड इवन इफ दे वॉन्ट टू डू इट, दे वोंट डू इट बिकॉज देन द डिफरेंस बिटवीन द iQOO 3 एंड द iQOO Neo 3 एंड द iQOO Z1 विल बी वेरी मिनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श की तरफ से. उन्होंने पूछा है, हाई स्टॉक लिस्टिंग्स वाज वेटिंग फॉर एन आवर. माय क्वेश्चन, आफ्टर द लॉन्च ऑफ OnePlus 8 सीरीज, OnePlus 7T Pro गॉट ए मैसिव प्राइस कट, बट द OnePlus 7T डिडंट. इज देयर एनी चांस ऑफ ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ 70 फर्दर, और विल इट इंक्रीज ड्यू टू GST हाइक? इट वोंट इंक्रीज एनी फर्दर. प्लीज रिप्लाई. एंड इज देयर एनी डिफरेंस बाइंग फ्रॉम Amazon एंड OnePlus स्टोर? Does OnePlus online store provide COD option? Thanks, keep going strong. Thanks a lot, brother. And OnePlus does provide COD options, but again, I'm not so sure about the OnePlus 7T as of now. As far as price cut or price hike is concerned, I don't think they'll hike the price up now because GST has already been applied and you know, done and dusted. So jitna bhi uska price hike hona tha wo ho chuka hai. As far as price cut is concerned, I don't think OnePlus 7T will you know undergo any more price cut. It doesn't deserve to be undergoing any more price cut. The specifications and features are still worthy of you know a smartphone which is priced somewhere around 35,000. So nahi kam hoga iska aur isse zyada bhi nahi hoga. If you want to purchase the OnePlus 7T, now might be the best time to do so. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिश कुमार. वो कह रहे हैं, एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 60K ऑन ट्विटर प्लस 20K ऑन यूट्यूब. उन्होंने चार क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टफ लिस्टिंग्स आरबी सीक्रेट ग्रुप? तो अच्छा, सीक्रेट ग्रुप में देयर आर अराउंड 30 पीपल. व्हेन विल यू चेंज योर ट्विटर DP? व्हेनेवर द पोको F2 लॉन्चेस. Tell us about your group's members like you, Amity, Ajay Pro, etc. Favorite smartphones. Okay, favorite smartphone. My favorite smartphone is the P30 Pro, and in mid range, it would be the Poco X2. Budget, it will be the Realme C3. So, when it comes to the team, there is Akash, there is Ajay, there is Amy, and there is me, and there is Domino. So, ये सारे लोग हैं हमारी टीम में. सब लोगों को आप जानते ही हो, ट्विटर वगैरह पे तो देखा ही होगा आपने, और YouTube पे भी बीच-बीच में वो लोग आते रहते हैं. मजा आ गया, मजा आ गया. जैसे जिस हिसाब से बंदे ने बोला, आई लाइक डेट. यस, ठीक है, गाली गलोच. मैं कभी भी इस चीज को एडवर्टाइज या यू नो प्रमोट या सपोर्ट नहीं करूंगा, बट यू नो आई डोंट नो, इट वेंट वायरल. So that is something I like. मैं content की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके you know, अभी वीडियो डिलीट हो गई तो सारे लोग कह रहे हैं कि bring back carries video, और वो hashtag भी ट्रेंड हो गया. So that is the best promotional strategy in my opinion. पहले you gained around you know I don't know how many millions of subscribers in 1 or 2 days. आपने रिकॉर्ड सेट कर लिए, उसके बाद आपकी वीडियो डिलीट होने के बाद भी आप ट्रेंड कर रहे हो. सो नथिंग बेटर देन दैट. यस, उनकी वीडियो वापस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, दैट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन हियर. और अगेन, एज अ फेलो यूट्यूबर, आई वुड वांट कि वीडियो वापस आए. देयर इज प्लेंटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब विच इज सीरियसली क्रिंज वर्दी एंड विच इज समथिंग विच यू नो एटलीस्ट किड्स शुड नॉट बी वॉचिंग. बट यूट्यूब ने कभी भी इन चीजों को डिलीट नहीं किया है. सो ये वीडियो डिलीट करना ओनली बिकॉज यू नो इट गॉट वायरल. आपने पहले उसको वायरल क्यों किया? जब आपकी वीडियो, अगेन आई वॉज टॉकिंग टू अजय द अदर डे, ही सेड कि जब प्रोसेसिंग हो रही होती है वीडियो की, उसी टाइम यूट्यूब को आई गेस थोड़ा बहुत पता आइडिया हो जाता है कि आपका कॉन्टेंट क्या है. सो जब वीडियो प्रोसेस हुई, अपलोड हुई, उसके बाद वायरल हुई, ट्रेंडिंग पे आपकी वीडियो गई, तब तो आपने कुछ नहीं कहा. एंड अगेन, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एडसेंस का 44% कट होता है आई बिलीव यू नो एड्स में से. सो यू मेड ऑल द रेवेन्यू, उसके बाद आपने वीडियो डिलीट कर दी, उस चीज का आई डोंट थिंक देयर इज यू नो इट मेक्स एनी सेंस. मैंने कह रहा कि गाली वगैरह देना अच्छी चीज है, बट अगर आप इसको टेक्निकल उस तरीके से देखो तो 3-4 दिन वीडियो क्यों रही वहां पे, उसी दिन डिलीट हो जानी चाहिए थी इफ एट ऑल यूट्यूब ने डिलीट करनी थी तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिन जैन की तरफ से. उन्होंने पूछा, iQOO Z1 इंडिया लॉन्च डेट एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट न्यू डिवाइस यू टेस्टेड यस्टरडे? iQOO Z1 might launch in June and the new device is as amazing as possible. Trust me, when it launches in India, you are going to like it. Next question is Techie Gang ki taraf se. Wo keh rahe, hi bhaiya, if we get our hack channel back, can we still monetize our videos?
यस ब्रदर ऑफ कोर्स, अगर आपने अपने चैनल को सक्सेसफुली रिट्रीव कर लिया, अगर वो हैक हो रखा था एंड आपने रिट्रीव किया है, तो दैट मींस यू नो यूट्यूब को पता है कि आप गलत नहीं थे, तो इट मेक्स नो सेंस कि आपका मोनेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वजीत सिन्हा की तरफ से, उन्होंने पूछा है लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लव यू ब्रदर। भैया आजकल कंपनी 15-25 के सेगमेंट फोन्स में हाईर रिफ्रेश रेट देने के चक्कर में एमोलेड स्क्रीन को क्यों स्किप कर रहे हैं? आई एम ए कंटेंट लवर, so I want to buy an upcoming mid-range phone with AMOLED display from Xiaomi, Poco or Realme. ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिड रेंज में भी AMOLED पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। Realme X2 में आपको AMOLED पैनल देखने को मिल रहा था। एंड द प्रॉब्लम हियर इज कि यार आजकल लोग हर चीज मांगना शुरू हो गए हैं। आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है पोको X2 में, 90 हर्ट्ज मिल रहा है Realme 6 में, बट आपको ये यहाँ पे AMOLED नहीं देखने को मिलेगा। ये Vivo V90 में इसमें AMOLED पैनल है, या फिर iQOO 3 में AMOLED पैनल है, वहां पे रिफ्रेश रेट नहीं है। सो कहीं ना कहीं यू नो पैसे लगते हैं इन सारी चीजों को पुल ऑफ करने में। AMOLED के साथ अगर आप 90 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वी विल हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट। सो अगेन सीरियसली आई एम नोबडी टू डिसाइड किया कंपनी को ये फोन सस्ते में निकालना चाहिए। यहाँ पे मेरा काम है कि बताना इस फोन की यू नो प्राइसिंग अच्छी है या नहीं है एज फार एज यू नो द रेस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स आर कंसर्न्ड। तो मैं स्पेसिफिकेशंस को आपस में कंपेयर करके बताता हूँ कि ये स्मार्टफोन अच्छा है कि नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता यार Xiaomi ने वो गलत किया, वो फोन ना 10 का आना चाहिए था 50 का निकाल दिया, या फिर Realme को ये फोन 20 का निकालना चाहिए था 80 का निकाल दिया। सो आई डोंट थिंक सो। मिड रेंज सेगमेंट में हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करनी ही पड़ेगी, या फिर मिड रेंज सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ वहां तो करने ही पड़ेंगे। सो इट्स अगेन इट बॉइल्स डाउन टू रिफ्रेश रेट वर्सेस द पैनल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित की तरफ से, वो कह रहे हैं सर डू यू थिंक विल देयर बी एनी सैमसंग फोन दैट विल लॉन्च एट 10K विद डिसेंट और गुड कैमरा एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू इयर्स देयर आर मेनी केसेस ऑफ प्राइवेसी इश्यूज इन Xiaomi, OnePlus एंड अदर चाइना ब्रांड्स, सो आई डोंट वांट टू बाय दैट। इट माइट लॉन्च, सैमसंग माइट लॉन्च बजट स्मार्टफोन्स इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए उनका जो मिड रेंज है ना 10-20 इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। बट अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो सैमसंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए लॉन्च करना स्मार्टफोन्स, यू नो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स, बिकॉज अगेन एज यू सेड अ लॉट ऑफ पीपल हैव यू नो लॉस्ट ट्रस्ट इन चाइनीज कंपनीज एज यू सेड। सो अगर सैमसंग उस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करता है अभी, क्योंकि बोलता है वी डोंट सेल प्रिवेसी, वी डोंट सेल एड्स एंड एवरीथिंग, तो मेरे हिसाब से सैमसंग कैन यू नो एक्वायर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजन की तरफ से, उन्होंने पूछा कैन दी हाई कैपेसिटी फास्ट चार्जर्स कॉज एनी हार्म टू स्मार्टफोन्स? नो। व्हाट इज द सुटेबल लिमिट ऑफ फास्ट चार्जिंग एंड थैंक्स फॉर द इंट्रो म्यूजिक नेम, इट्स माय रिंगटोन नाउ। अरे अरे थैंक्स अ लॉट ब्रदर। एंड जहां तक फास्ट चार्जिंग से स्मार्टफोन्स को हार्म करने की बात है, यार पहली बात तो यू नो गॉन आर द डेज कि हम स्मार्टफोन्स को 5-5 साल चलाते थे, आजकल यूजली इतनी देर तक स्मार्टफोन आपका डेटेड हो जाता है। सो आइडियली डजंट अफेक्ट दैट मच, बट स्टिल यू नो अगर आप बीच में अगर आप साइकिल डाउन करने के लिए एक स्टैंडर्ड चार्जर से भी अपने फोन को चार्ज करोगे, इट विल बी बेटर फॉर योर बैटरीज हेल्थ। और उसके लिए यू कैन यूज सर्टन बैटरी सेवर एप्स जहां से आपको अपने अपनी बैटरी की हेल्थ का पता चलता रहता है। Greenify is one of them, but for that you'll have to be rooted. Next question है तन्मय की तरफ से, वो कह रहे हैं हाय मुकुल भैया, lots of love to you and Amy दीदी। अभी तो बता। Rapid fire पूछा मैंने। Which is better value for money, Realme 6 or Poco X2? Poco X2. Your favorite singer? Siddhu Moosewala. When are you marrying? तू ही बोल दे। Leo Messi or Cristiano Ronaldo? Messi. विराट कोहली और रोहित शर्मा? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संता बारिक की तरफ से, उनके भी रैपिड फायर है, स्क्वेरी स्मार्ट वॉच वर्सेस राउंडेड? राउंडेड स्मार्ट वॉच। 15K विद एड्स वर्सेस 17K विदाउट एड्स? 17 विदाउट एड्स ऑफ कोर्स। पॉप अप वर्सेस नॉच वर्सेस पंच होल? आई वुड गो विद पंच होल। डायमेंसिटी 1000 प्लस वर्सेस स्नैपड्रैगन 855 प्लस? आई वुड गो विद 855 प्लस एज ऑफ नाउ, बिकॉज़ डायमेंसिटी मैंने टेस्ट ही नहीं किया है। Facebook versus Instagram? Instagram. Ruhez versus Ranjit? Ruhez because he follows me. Ranjit is still to follow me. Ranjit ne abhi tak follow nahi kiya, main unko bahut time se follow kar raha hu. And one question, how long can you keep yourself away from using internet, keeping aside your reply for everyone? 5-10 minutes. Love you brother. Love you too brother. Next question hai Sushil ki taraf se, unhone pucha the best ever feature you like the most about any smartphone. I like the 50x zoom in the you know that P30 Pro smartphone. RAM optimization of iOS is better than Android? It is. Female celebrity crush? Style listings. Football or cricket?
क्रिकेट फेवरेट क्रिकेटर एंड फुटबॉलर विराट कोहली लियो मेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रफी की तरफ से. हाय ब्रो, यूट्यूब पोल सिस्टम डिलीट कर रहा है, आपका क्या ख्याल है और आपकी शादी के बारे में किसको पूछना, प्लीज क्लियर से बोलो, फ्रॉम आंध्र प्रदेश. मेरी शादी के बारे में अभी वही लॉकडाउन के बीच में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इतनी हमें को जल्दी पड़ी नहीं है कि यार घर के बीच में बैठ के फेरे पूरे ले लें. सो वी आर टेकिंग आवर ड्यू टाइम, वंस दिस लॉकडाउन थिंग इज ओवर विल प्रोबेबली यू नो मेक द अनाउंसमेंट. But as far as the YouTube poll system is concerned, I have always been a fan of polls, and Stuff Listening's army loves to, you know, involve themselves in the polls. So I'm not liking this thing. And आगे हम यही कर सकते हैं कि फिर Twitter पे poll कर दिया करेंगे, उसका link मैं आपको description में लगा दूंगा, so that आपके polls वगैरह से आप, you know, वंचित ना रहे. Next question है अफ्ताफ आलम खान की तरफ से, उन्होंने rapid fire पूछा है. Lenovo versus HTC. Lenovo. रसगुल्ला versus काजू बर्फी. रसगुल्ला. मलाई कोफ्ता versus बिरयानी. मलाई कोफ्ता. आज बिरयानी आ रही है लंच में. बिरयानी. फ्लिपकार्ट वर्सेज अमेज़न. फ्लिपकार्ट. ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन. ऑनलाइन. मोबाइल वर्सेज टैबलेट्स. मोबाइल. स्नैपड्रैगन 730G वर्सेज स्नैपड्रैगन 765. स्नैपड्रैगन 765. फास्ट चार्जर प्लस मीडियम बैटरी वर्सेज मीडियम चार्जर प्लस मीडियम बैटरी. फास्ट चार्जर प्लस मीडियम बैटरी. रियलमी वाई वर्सेज कलर ओएस. कलर ओएस. ट्रैवलिंग बाय रोड वर्सेज रेलवे वर्सेज एयरलाइंस. 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 Stay home, you too. Stay safe, you too. Next question is Tech Alarm की तरफ से. Tech Alarm? Okay. उनका question है, मुगुल भाई, जब भी शादी करोगे उसके लिए best wishes आपको and stylisting को, but हमको शादी व्लॉग मांगता है. शादी क्या मांगता है? व्लॉग. हाँ हाँ, पक्के से आपको व्लॉग मिलेगा यार, पक्का से. अच्छे एडिटिंग करके तो आपको दे देंगे. उनका question है कि रियलमी के सीईओ माधव सेठ रियलमी ब्रांडिंग येलो अंडरवे पहनते हैं क्या, इसको लीक करके बताना. लव, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी. लव यू टू ब्रदर. एंड जहां तक इसकी बात है यार, ये अगर मैंने लीक कर दिया तो मेरा घर टूट जाएगा. मैं आई डोंट थिंक किसी और मर्द के पेंट में घुस के यू नो उसका अंडरवेयर चेक करना चाहूंगा, और आई डोंट थिंक यू वुड लाइक मी टू लीक दैट थिंग. सो आई एम रियली सॉरी. आई डोंट नो व्हाट कलर अंडरवेयर माधव सेठ वेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलशन संगवान की तरफ से, वो पूछ रहे हैं मी नोट 10 लाइट इंडिया में कब आएगा, इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी. अब BIS पे आ चुका है, दैट मींस जल्दी लॉन्च होना चाहिए, बट अगेन लॉकडाउन के चक्कर में यार मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म्ड लॉन्च डेट क्या लॉन्च मंथ भी नहीं अभी बोल सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुमान त्रिपाठी की तरफ से, उन्होंने बोला हेलो मुकुल ब्रो, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रियलमी आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सम पीपल आर कंप्लेनिंग दैट आफ्टर अपडेट्स द चार्जिंग स्पीड डिक्रीजेस एंड बग्स अपीयर ऑन देयर फोन्स. And please tell about any upcoming good smartphone of Samsung around 17K price. Love from Odisha. Love you too, brother. First of all, Samsung का अभी 17K के आसपास बहुत सारे M21 series या A21 series, वो जो 21 series, 31 series है, उनमें स्मार्टफोन्स इंडिया में आने वाले हैं. जहां तक रियलमी के स्मार्टफोन्स के अपडेट के बाद यू नो चार्जिंग स्पीड घटने की बात है यार, मेरे पास आई हैव द रियलमी XT, रियलमी 6, रियलमी X2, रियलमी X2 Pro एंड अ कपल ऑफ मोर रियलमी स्मार्टफोन्स. आई अपडेट माय स्मार्टफोन्स यू नो वेरी फ्रीक्वेंटली. आई हैव सो फार नॉट फेस्ड एनी सच इशू. सो आप स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर फोन बताओ जिसमें ऐसा हुआ तो मैं उसको टेस्टिंग करके आपको पक्के से बता दूंगा. और जहां तक आफ्टर सेल सर्विसेज की बात है यार, ऑफलाइन मार्केट में तो रियलमी के चलो सब कुछ जो भी है इट्स गुड. ऑनलाइन मैंने सुना है कि यार अगर आप कुछ ज्यादा कंप्लेन वगैरह करते हो तो यू गेट ब्लॉक्ड. इस चीज पे भी मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज ट्राई नॉट टू बी अब्यूजिव. वहां पे आप एक ढंग से अगर आप कंप्लेन करोगे, आई डोंट थिंक एनी ब्रांड वुड लाइक टू हर्ट यू देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविन जेसो दास की तरफ से. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है साई श्रवण की तरफ से. उन्होंने पूछा रियलमी बर्ड्स वायरलेस वर्सेस वन प्लस ब्लूटूथ वायरलेस जी विच इज गुड. आई वुड गो विद रियलमी बर्ड्स वायरलेस, बट अभी के लिए वन प्लस जी मैंने टेस्ट ही नहीं किया तो मैं उसके लिए अगेन कंपेरिजन तो नहीं कर सकता, बट पर्सनल चॉइस पूछी जाए अगर डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो आई वुड गो विद रियलमी वायरलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदों का सागर की तरफ से, उन्होंने बहुत ही लंबा रैपिड फायर पूछा है. स्कूल वर्सेस कॉलेज. कॉलेज. बाइक राइडिंग वर्सेस कार ड्राइविंग. कार ड्राइविंग. आइसक्रीम वर्सेस कोल्ड ड्रिंक. आइसक्रीम. सिंगिंग वर्सेस डांसिंग. सिंगिंग. यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक. यूट्यूब. आईफोन SE 2020 वर्सेस OnePlus 8. OnePlus 8. Huawei P40 Pro प्लस वर्सेज आईफोन 11 Pro Max. P40 Pro. स्टाइलिस्टिंग्स वर्सेस ट्विटर. Stylistings. मतलब इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस. Where did you meet Amy D for the first time? I met her in my university. Favorite actor actress Bollywood. Bollywood.
माय फेवरेट एक्टर वुड बी अमरीश पुरी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इट वुड बी सनी लियोनी. व्हाई कंपनीज आर गिविंग हाई रिफ्रेश रेट इंस्टेड ऑफ गिविंग एमोलेड. भाई उनकी मर्जी यार. जब वो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होती है तब हम बोल देते हैं कि यार रिफ्रेश रेट कम आई है तो क्या करे कंपनी, क्या करे बताओ. मैंने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि यार कोई भी स्मार्टफोन आपको परफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. परफेक्ट ऐसे आप बोलोगे एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 144 हर्ट्ज चाहिए, 108 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, उसके साथ यू नो पेरिस्कोपिक जूम भी चाहिए हमें, 865 प्रोसेसर हो, 12 GB रैम हो और ये सारी चीजें मेरे को 10,000 रुपए में चाहिए. इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. और क्यों होगा अगर ऐसा एक कंपनी ने एक ऐसा मास्टर पीस निकाल दिया तो उनके जो कॉम्पिटिटर है वो तो निकल जाएंगे पर उनके बाकी सारे स्मार्टफोन भी बिकने बंद हो जाएंगे. एवरी वन विल कीप परचेजिंग दैट पर्टिकुलर स्मार्टफोन. दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस. सो समथिंग लाइक दिस विल नेवर हैपन. विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी वॉन्ट एमोलेड डिस्प्ले विद हायर रिफ्रेश रेट विल हैव टू पे मोर और इफ यू वॉन्ट टू पे लेस विल हैव टू डू सम कॉस्ट कटिंग और कॉम्प्रोमाइजेस एज आई सेड अर्लियर. Please make a video on prices of components of smartphones and also give an example of any smartphone. Okay, I don't think yes, this video can be done, but I don't think every component ka price jo hota hai company ki taraf se wo hame publicly available hota hai. Jitne bhi prices hame pata chal sakte hain, I'll definitely make a video on that. Please make a virtual interview with Poco Man, Simon Mobile. Yes, that could be arranged and yesterday somebody suggested me that and उसके बाद मैंने straight away उनको reach out कर लिया है. Most likely आपको Poco का जो upcoming product launch है उससे पहले एक interview हमारे channel पे देखने को मिल जाएगा. WhatsApp video call कब कर रहे हैं? WhatsApp video call next Sunday के लिए हम plan कर रहे हैं. आज भी हमने सोचा था live जाने के लिए but again problem अभी lockdown के चक्कर में we don't have the resources, we don't even have you know a proper mic and everything. So next week तक हम try कर रहे हैं आपको live calling वगैरह देखने को मिल जाएगी. By the way, stay safe and I wish you. Thanks a lot, brother, and you too should stay safe. Hello, Mukul bhai. I hope you know me. Of course. These are my questions. Pehla question hai, can we expect any 5G devices under 25K in India in 2020? इस साल के एंड तक तो बहुत जल्दी होगा. इट विल बी टू अर्ली टू यू नो टॉक अबाउट द एंड ऑफ 2020 एज ऑफ नाउ बट यस टिल द एंड ऑफ 2020 वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 25 टू 30 के स्मार्टफोन्स इन इंडिया. You know, 5G smartphones in India. But as of now, for the next 2-3 months, you should not expect that. Second question of why does data gets disconnected in some devices while talking on a call? Does it depends on chipset? It does. Third question is your opinion on Realme Buds Wireless versus Mi Wireless Earphone versus OnePlus Bullets Wireless Z. Waiting for a review. So far, out of these three TWSs, I have only tested the Realme one. So, I won't probably be giving a verdict on the other two. But the other two are reaching me as soon as possible. So, once I test them properly and thoroughly, I'll be giving you the answer to this one. Fourth question is, what are your hobbies? Can you share your daily routine? So, as far as my daily routine is concerned, I wake up at around 6 o'clock and I start finding you know, leads for all of you. So then at around 1 PM I shoot this video. 6 PM you get the video. At around 8 PM once again we shoot the next video which gets published at around 12 noon the other day. So and the entire day is spent replying to each and every one of you. That's my daily routine for you. Fifth question is which one to buy, Realme C3 or Realme Narzo 10A or suggest me any device around 8K for normal uses. I would go with the Narzo 10A. Yes, it's 1000 rupees you know more expensive when compared with the C3 but still you get a rear mounted fingerprint scanner which I miss out a lot on the Realme C3. Trust me, that's the only thing which I don't like about this C3 device. Sixth question, do you like gaming, PUBG versus COD Mobile versus PC gaming? I do like gaming but none of these games is my favorite. I mostly play platform games and I try to play Mortal Kombat. I used to play games when you know you guys were not even born. So, mere kuch classic you know games wagaira jo titles hain, I like them more. Next question is Mukul bhai, did you enroll for MIUI 12 pilot testing? Yes, I did enroll for that. But after that, I thought, okay, what the hell? Why wait for it? So I said, might as well flash the ROM already. So I already have MIUI 12 on my Redmi K20 as well as my Redmi Note 8 Pro smartphone. Next question is any plan for a meetup? Wish to know your opinion. Yes, I would love to have meetups, but again, this lockdown period has you know affected everything. So as soon as this is over, definitely we'll do that. Maybe on 100K we can plan a meetup. Last question is how to zone your stock listings by kicking. Depending on your you know specialities, because if you can talk, I can of course ask you to make videos. Other than that, as of now, we don't need anything because we are not earning anything out of it. So, you know, if you want to join my team, you will be joining it for free, which again makes no sense at all.
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संजीव मिश्रा की तरफ से। हाँ जी मिश्रा जी। वो कह रहे हैं हाय कॉन्ग्रेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर चैनल। थैंक्स लॉट ब्रदर। आई हैव थ्री रिक्वेस्ट्स। अपने पूरी टीम से मिलवाएं। श्योर आपको ठीक है अगले संडे स्टफ में विल ट्राई कि सारे के सारे मेंबर्स टीम के आपको दिख जाएंगे। इधर बैठ जाएंगे सारे इधर ऊपर हम सारे। दूसरा क्वेश्चन डोमिनो यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट्स मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं यहाँ पे साइड में खड़ा दूंगा ठीक है ना लेमन सोडा सब कुछ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। थैंक यू। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरे टाइप कैमरा इन OnePlus 8 Pro शुडंट वी रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट इट। If it poses any serious threat, we should. But as of now, I don't see any potential harm here. You can only see that, you know, if it's a remote, so you can see the internals. So I don't think it's too much of a privacy issue. But yes, you know, if somehow you get to know as to what I am wearing underneath, then it might be an issue. So if there is an issue like that, we should definitely raise the voice. आखरी question है उनका, any idea about the better smartphone existing or upcoming? With expandable memory, NFC, fast charging, 3.5mm jack and curved screen. Please confirm this. Thanks. Keep smiling, Bindas. Thanks, Robert brother. And yes, आप भी बिंदास रहिए बट अभी के लिए ऐसा कोई स्मार्टफोन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वेट कर लो फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने वाले आई कीप यू पोस्टेड ऑन द सेम। वीडियो खत्म करने से पहले स्टफ लिस्टिंग्स टीम ने एक नई चीज डिसाइड किया बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को कहते रहते हैं कि हमारे चैनल का शॉर्ट आउट दे दो। यस एज ऑफ नाउ वी आर नॉट दैट बिग टू गिव शॉर्ट आउट टू एनीवन बट स्टिल वी आर थिंकिंग यस अभी हमारे 16,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वन डे वन फाइन डे आई रिमेंबर व्हेन वी हैड अराउंड 1,000 सब्सक्राइबर्स वी ऑल्सो विश्ड कि यार हमें कोई ना कोई बंदा शॉर्ट आउट दे जो कि कभी भी नहीं हुआ। सो वी प्रोबेबली डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन विद एनी वन ऑफ यू। अगर हमारे अभी भले ही कम सब्सक्राइबर्स हैं बट वी आर गोइंग टू यू नो मेंटेन दिस ट्रेडिशन जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस ट्रेडिशन का हम नाम रखेंगे स्टफ लिस्टिंग संडे शॉर्ट आउट। सो ट्रिपल एस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो स्टफ लिस्टिंग संडे शॉर्ट आउट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सो आज का जो फर्स्ट एवर शॉर्ट आउट में देने वाला उनका नाम है कंकन साइकिया। सो अगेन आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इनको प्रोनाउंस गलत किया। तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ इनके चैनल दिखता कैसा है इनका चैनल। सो इफ इन केस यू यू नो फाइंड हिज कॉन्टेंट वर्थी आप पक्का से उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके चैनल को उनके कॉज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो देखिए गाइस ये था आज का संडे स्टॉप। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स मैंने दिए जिनके क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल के टेक्स्ट ऑफ का वेट कीजिए कल एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल पीस। ये नहीं बोल रहा ये कोई अच्छी बात नहीं है नहीं किया था तो आपको यू नो आई डजंट मेक एनी मिड रेंज में पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन एसी लगा दो गर्मी होगी पता नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी नहीं मजाक कर क्या बोल रहा हूँ हाय चंकी पा आई डोंट थिंक सो यस सर बट प्लीज कंफर्म दिस ठीक है खत्म करें नहीं